तारुफ करना है सो लेट्स गेट स्टार्ट इस मज़मून में मुसनफ़ कॉलेज में तलबा की नाकामी के अस्ब बयान करता है वो तलबा को दो ग्रोहों में तकसीम करता है पहला ग्रोह वो ऐसे तलबा पर मुश्तम है जो इम्तहान पास करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं दूसरा ग्रोह उन तलबा का है जो सिरे से इम्तहान में कामयाब होने की कोशिश ही नहीं करते इस मजमून में मुसनफ़ सिर्फ़ उन तलबा को मौजू स सुखन बनाता है जो पास होने की कोशिश करते हैं मगर किसी न किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन तलबा की नाकामी पर बहस करने बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं जो सिरे से कामयाब होने की कोशिश ही नहीं करते मुसन्फ़ के मुताबिक नाकाम होने वाले तलबा में काम करने की फित्री कुदरती सलाहियत मौजूद होती है मगर वह अपने काम पर तो नहीं दे पाते मिसाल के तौर पर एक लड़का मुताला करने बैठता है अचानक उसे ख्याल आता है कि उसे पहले अपनी पेंसिल तराश लेनी चाहिए एक पेंसिल तराशने के बाद वो अपनी सारी पेंसिलें तराशने लगता है इस तरह उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता ऐसी असबी या दिमागी आदात का इलाज मुमकिन नहीं लड़के को खुद हिम्मत करके ऐसी आदत से छुटकारा पाना चाहिए दूसरे लोग इस सिलसिले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते इसके अलावा मुसनफ़लब की नाकामी का दूसरा सबब बयान करता है कि इसके बरक्स कुछ तलबा ऐसे हैं जो ऐसे मजामी का इंतखब कर लेते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती इसका ज़्यादातर सबब वालद बनते हैं लड़का एक मजमून पढ़ना नहीं चाहता जबकि उसके वालद उससे दूसरा मजमून पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं लड़का ऐसे मजामी में दिलचस्पी नहीं ले पाता और नतीजा तन नाकाम हो जाता है बाज़ात चंद जहीन लड़के भी इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं वो समझते हैं कि कॉलेज का इम्तहान भी स्कूल के इम्तहान की तरह बगैर मेहनत के आसानी से पास किया जा सकता है और यही ज़रूरत से ज़्यादा खुद उनकी नाकामी का सबब बनती है कुछ तलबा संगीन माली मसाइल से दो चार होते हैं उन्हें अपने कॉलेज के अखराज बर्दाश्त करने के लिए काम करना पड़ता है इस तरह रुपया कमाने में उनका बेशतर वक्त ज़ाया हो जाता है पढ़ाई पर पूरी तवज्जो ना देने की वजह से उनमें से अक्सर तलबा भी नाकाम हो जाते हैं कुछ तलबा ख़राब सेहत के सबब पढ़ाई पर पूरी तवज्जा नहीं दे पाते जब किसी जहीन तालब इल की नाकामी की वजह समझ में ना आ रही हो तो उसका तबी मुआयन कराना चाहिए ऐसे तालब इम अमूम किसी न किसी बीमारी में मुबला होते हैं और उन्हें खुद भी इसका इल्म नहीं होता कुछ तलबा खेलों और अदबी मशागिल में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं वो अपनी बढ़ाई को नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसे तलबा को पेशावर खिलाड़ी बन जाना चाहिए या फिर पढ़ाई और खेल में अतदाल बराबरी तोज़न पैदा करना चाहिए चंद काहिल गंवार खाक छानने कॉलेज आते हैं उनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता वो पढ़ाई में संजीदा नहीं होते अक्लमंदी का तकाजा यही है कि ऐसे तलबा को कॉलेज से निकाल देना चाहिए ताकि वो बाहर की अमली दुनिया में अपनी अहमियत जान सकें मुसनफ़ कहता है कि कॉलेज का सरबरा कॉलेज का डीन एक डॉक्टर की तरह होता है जिस तरह डॉक्टर जिस्मानी बीमारी की तशखीस और उसका इलाज करता है इसी तरह कॉलेज का सरबराह भी तलबा के मसाइल को समझ कर उन्हें हल कर सकता है अगर वो उन्हें नाकामी से बचा लेता है तो वो अपना फ़र्ज़ बखूबी अदा कर देता है जी तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर थ्री का इंट्रोडक्ट्री प्लॉट कंप्लीट हुआ।, हुआ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज